जब हम घर से दूर रहते हैं तो फूड हमारे लिए बहुत बड़ा कंफर्ट होता है ना? वेल, मुझे कोटा में 5 साल हो चुके हैं और इससे पहले मैंने अलग अलग शहरों में नौकरी की। कोटा में रहते हुए इन 5 सालों में मैंने कई रेस्टोरों छान मारे, कभी ऑर्डर इन किया तो कभी बाहर जाके खाना खाया। मुझे स्पेशली साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। लॉकडाउन से पहले साउथ पोल कैफे के नाम से एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत ही ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड बनाता था, लेकिन लॉकडाउन में वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। रिसेंटली फाइनली आई केम अक्रॉस अ प्लेस कॉल्ड मद्रासी कैफे, जिसे तमिलनाडु की रहने वाली एक महिला चलाती हैं। उनके 2 बेटे हैं जो कोटा में पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग कर रहे हैं। उनको शाम को जब भी वक्त मिलता है तो वो अपना छोटा सा कैफे ओपन करती हैं। मुझे इस मद्रासी कैफे में साउथ इंडियन फूड खाना, चाहे वो डोसा हो, अप्पे हो या उत्पम हो, बेहद पसंद है। कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये कैफे शुरू किया है और लगभग 5:30 बजे के आसपास शाम को वो इसे ओपन करती है, जिसका वो अच्छा खासा किराया भी देती है। आई रियली लव हर एटीट्यूड, व्हाट अ स्ट्रांग वुमन। एक पराए शहर में इस तरह बिजनेस शुरू करना आसान तो नहीं। यू विल ऑल्सो सी हर सन्स हेल्पिंग हर आउट गेट मिल्क एंड ग्रोसरीज। व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट टू बिहोल्ड। अगर आप भी कोटा में हैं और ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो मद्रासी कैफे जरूर जाइए, जो कि फ्रेंड्स बाजार के पास में है। जब आप सम्राट चौक की तरफ जाते हैं तो राइट साइड में मद्रासी कैफे आपको दिखेगा। और हाँ, साथ में यहाँ ऑथेंटिक फिल्टर कॉफी भी मिलेगी। अगर आप कहीं आसपास हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा।